हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इजी है। आज हम बायोलॉजी का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें, क्योंकि अब हम रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। As you know, humans reproduce sexually and they are viviparous. I will write some points. Human beings reproduce sexually. And are viviparous. मतलब क्या है, ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है हर लिविंग बींग का। कोई एसेक्सुअली करता है तो कोई सेक्सुअली करता है, उसमें ह्यूमन्स होते हैं सेक्सुअली करते हैं और वो विविपैरस कहलाते हैं। ओके okay. In humans, reproductive phase starts after puberty. जैसे मेल्स में ये 12 to 14 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है पॉवर्टी के बाद, और फीमेल में तो ये फीमेल के बॉर्न होने से पहले ही उनका प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट होना चालू हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे वो। अभी बहरहाल हमें आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब, गैमेटो का मतलब गैमीट एंड जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। ओके, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, इनसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू ओव्यूल इन फीमेल। थर्ड पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आफ्टर इनसेमिनेशन। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इम्प्लांटेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इम्प्लांटेशन विल अकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिफ्थ पॉइंट जेस्टेशन पीरियड। सिक्स्थ पॉइंट है पार्चुएशन। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में ओव्यूल्स बनते हैं, ओवम भी कहते हैं उसको, एग भी कहते हैं। फिर सेकेंड हमारा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इंसेमिनेशन, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म्स एंड टू फीमेल ओव्यूल्स। थर्ड पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। मतलब आफ्टर इंसेमिनेशन मेल एंड फीमेल गैमेट जो होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद हमारा फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्लास्टो इम्प्लांटेशन। जाइगोट बनने के बाद वो ब्लास्टोसिल्स
ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, 1 सेल, फिर 2 सेल, 4 सेल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद आएगा जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वो पीरियड कहलाएगा जेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन का मतलब है बर्थ, एक्ट ऑफ बर्थ। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन्स इट इज़ नॉर्मली ऑफ 280 डेज। आफ्टर, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन का, टेस्टिस। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, मतलब बॉडी के बाहर। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्टिस। सो टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रॉटम सैक, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी विच स्क्रॉटम सैक जो होता है, इट प्रोटेक्ट, स्क्रॉटम सैक प्रोटेक्ट टेस्टीज एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टू टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी के बाहर होता है हमारा स्क्रॉटम सैक होता है, आउटसाइड द बॉडी विच प्रोटेक्ट टेस्टीज, वो टेस्टीज को प्रोटेक्ट करता है और उसकी हेल्प करता है कि टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। टेम्परेचर जो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है तो उससे टेस्टीज का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। उसके बाद हमारा ईच टेस्टीज इज ओवल इन शेप, थ्री टू फोर सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट विथ विच इज ऑलमोस्ट टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250 हर एक टेस्टीज में होते हैं, मतलब टोटल हो गए 2 टेस्टीज हैं दो में हो गए 500। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव वन टू थ्री सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
वन थिंग इज मिसिंग, हाईली कॉइल्ड सेमीफेरस ट्यूबुल्स। ओके, विच आर द साइड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ही स्पर्म बनते हैं, प्रोडक्शन होता है मेन। उसके बाद हमारा आता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, आर लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट है मेल जर्म सेल्स विच अंडरगो मियोसिस, टू फॉर्म स्पर्म। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग बट आई कांट राइट फास्ट। सेकेंड है हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टाइटल स्पेस, विच प्रोड्यूस लेडिक सेल्स और इंटरस्टाइटल सेल्स। इन दोनों सेल्स का काम क्या होता है? ये जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स। ओके, सो जो टेस्टिस होता है स्क्रॉटम सैक में होता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है, ताकि उसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सके, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। और इस ए हर एक टेस्टी ओवल इन शेप है, 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन ब्रेथ है, विच हैज़ ऑलमोस्ट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रोम टाइप के होते हैं। उसमें ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं 1 to 3 सेमनी हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि मेन जगह है स्पर्म फॉर्मेशन की। उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर से दो टाइप के सेल्स से लाइंड होते हैं, पहला है मेल जर्म सेल्स एंड सेकेंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स अंडर गो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म एंड सर्टोली सेल्स अंडर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स। And region outside the seminiferous tubules is called interstitial space, which provide Leydig cell, which produce Leydig cells or interstitial cells, जिनका काम होता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं साथ ही इसके डायग्राम वगैरह और एक अच्छे से नोट्स लिख के आपको इसी वीडियो में लगा दूंगा, आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू साइंस इजी।